हेलो फ्रेंड्स, नीटिंग टेल्स पे आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर और जल्दी बनने वाली आसान बुनाई लेके आई हूँ। इसके लिए हमने ये वर्धमान की रैबिट एक्सल की वूल ली हुई है और ये 9 नंबर की नीडिल ली हुई है। तो अब इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने ये 41 फंदे डाल लिए हैं और 41 फंदे डालने के बाद एक सिलाई सीधा बुन लिया है और उल्टी तरफ से पूरी सिलाई उल्टा बुन लिया है। अब बुनाई की हम फर्स्ट रो बनाते हैं। फर्स्ट रो के लिए पहले हम 7 फंदे सीधा बुन लेंगे। ये हम एक फंदा हमने बुना, ये 2 फंदा, 3, 4, 5, 6 और ये 7। 7 फंदा हमने सीधा बुन लिया। धागा आगे करेंगे, 2 फंदा उल्टा बनाएंगे। एक फंदा उल्टा बनाया और ये दूसरा फंदा उल्टा बनाया। अब धागा पीछे करेंगे। अब ये 6 फंदे, ये हम इसको ट्विस्ट करेंगे। ये देखिए, पहले हम 6 फंदे गिरा लेंगे ऐसे, 3 फंदे और ये 6 फंदे हमने ऐसे गिरा लिया। पहले हम राइट हैंड वाली सिलाई पे ये 3 फंदे उठाएंगे, ये फंदे उठाएंगे और अब लेफ्ट हैंड वाली सिलाई से इधर ये 3 फंदे उठा लेंगे। ऐसे हमने कर लेना है और अब ऐसे कर लेंगे। ऐसे करने के बाद लेफ्ट हैंड की सिलाई पे ये 3 फंदे हम ऐसे चढ़ा लेंगे, 1, 2 और ये 3। ऐसे हमने चढ़ा लिया। अब ये 6 फंदे बुन लेंगे सीधा सीधा। एक फंदा सीधा बुना, 2, 3, 4, 5 और ये 6 फंदा। ये जो फंदे हमने 6 फंदे ट्विस्ट किए थे, इसको हमने सीधा बुन लिया। फिर धागा आगे करेंगे, 2 फंदा उल्टा बुनेंगे। एक फंदा उल्टा बुना और ये 2 फंदा। फिर धागा पीछे करेंगे। अब हम 7 फंदे सीधे बुन लेंगे। एक फंदा, 2 फंदा, 3 फंदा, 4 फंदा, 5, 6 और ये 7। 7 फंदा हमने सीधा बुन लिया। फिर धागा आगे करेंगे, फिर 2 फंदा हम उल्टा बुनेंगे। फिर धागा पीछे करेंगे। फिर हम 6 फंदे ये ट्विस्ट करेंगे, जैसे हमने इधर पिछली बार किया था। अब ये 6 फंदे हम ऐसे गिरा लेंगे। 6 फंदा हमने गिरा लिया। अब ये राइट हैंड वाली सिलाई पे ये 3 फंदे हम ऐसे उठा लेंगे। ऐसे हमने उठा लिया और लेफ्ट हैंड की सिलाई से ये पिछले 3 फंदे हम उठा लेंगे। ऐसे ऐसे हमने कर लिया। अब ये ऐसे ट्विस्ट करके लेफ्ट हैंड की सिलाई पे ये 3 फंदा ऐसे चढ़ा लेंगे। ये हमने फंदों को ट्विस्ट कर लिया। अब ये 6 फंदे पूरे हम सीधे सीधे बुन लेंगे। ये हमने बुन लिया इसको। फिर धागा आगे करेंगे, फिर 2 फंदा उल्टा बनाएंगे। फिर धागा पीछे करेंगे, ये 7 फंदे सीधे बुन लेंगे। इसी तरह से हमें पूरी सिलाई बना लेना है। पहले हमने 7 फंदा सीधा बुना, फिर धागा आगे करके 2 फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर ये 6 फंदे इसको हम ट्विस्ट करेंगे, फिर धागा आगे करेंगे, 2 फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर हम 7 फंदा सीधा बुनेंगे, फिर 2 फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर ये 6 फंदा ट्विस्ट करेंगे, फिर 2 फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर 7 फंदे बनाएंगे। एक बार ये हमें 6 फंदे ट्विस्ट करना और एक बार 7 फंदे सीधा बुनना है। बस इसी तरह पूरी सिलाई बनाना है।
अब ये हमने पहली सीधी सिलाई बना लिया। अब उल्टी तरफ से, उल्टी तरफ से हमें जो फंदे जैसे दिखाई दे रहे हैं उसी तरह से बनाना है। अब ये पहले हमने 7 फंदे ये उल्टा बना सीधा बनाया था, अब इधर से ये 7 फंदे उल्टे बनेंगे। एक फंदा, दो फंदा, 3, 4, 5, 6 और ये 7। 7 फंदे हमने उल्टे बना लिए। अब ये 2 फंदा हमें सीधा दिखाई दे रहा है, इधर से धागा पीछे करेंगे, ये 2 फंदा हम सीधा बुन लेंगे। फिर धागा आगे करेंगे, ये जो 6 फंदा हमने उधर से ट्विस्ट किया था, ये इधर से ये 6 फंदे उल्टे बनेंगे। ये हमने उल्टा बनाया, एक फंदा उल्टा बनाया, 2, 3, 4, 5 और ये 6 फंदा। फिर धागा पीछे करेंगे, ये 2 फंदे हमें सीधे दिखाई दे रहे हैं, इसको हम सीधे बुनेंगे। इसी तरह से हम पूरी सिलाई बना लेंगे। ये हमने पूरी उल्टी सिलाई बना के कंप्लीट कर लिया। अब सीधी तरफ से, सीधी तरफ से भी हमें जो फंदे जैसे दिखाई दे रहे हैं उसी तरह से बनाएंगे। अब जैसे हमने ये 7 फंदे हमने सीधे बनाए, तो इसको हम सीधे बना लेंगे। पहले 7 फंदे हम सीधे बुनेंगे, एक फंदा, 2 फंदा, 3, 4, 5, 6 और ये 7। 7 फंदे हमने सीधे बुन लेने हैं। धागा आगे करेंगे, ये 2 फंदा हमें उल्टा दिखाई दे रहे हैं, तो इसको दोनों को हम उल्टा बना लेंगे। एक फंदा उल्टा बनाया और ये 2 फंदा उल्टा बनाया। फिर धागा पीछे करेंगे, ये जो 6 फंदे हमने ट्विस्ट किए थे, इसको सबको हम 6 फंदों को सीधा बुन लेंगे। एक फंदा सीधा बुना, 2 फंदा, 3, 4, 5 और ये 6। 6 फंदा हमने सीधा बुन लिया। फिर धागा आगे करेंगे, 2 फंदा ये उल्टा दिखाई दे रहे, इसको हम उल्टा बुन लेंगे। अब ये फिर 7 फंदे सीधे बुने हुए हैं, इसको हम सीधा बुनेंगे। इसी तरह से हम पूरी सिलाई बना लेंगे। ये हमने पूरी सीधी सिलाई बना के कंप्लीट कर लिया। अब उल्टी तरफ से, उल्टी तरफ से फिर उसी तरह से बनाएंगे जो फंदे हमें जैसे दिखाई दे रहे हैं। अब ये 7 फंदे हमने उधर से सीधा बुना था, तो इधर से 7 फंदे हम उल्टे बना लेंगे। एक फंदा उल्टा बनाया, ये 2 फंदा, 3, 4, 5, 6 और ये 7 फंदे। 7 फंदे हमने उल्टे बना लिए। अब धागा पीछे करेंगे, ये 2 फंदे सीधे दिख रहे हैं, तो इसको हम 2 फंदों को सीधा बुन लेंगे। एक फंदा सीधा बुना और ये 2 फंदा सीधा बुना। फिर धागा आगे करेंगे, ये 6 फंदे हमें उल्टे दिख रहे हैं, तो ये 6 फंदे हम उल्टे बना लेंगे। छः फंदा हमने उल्टा बना लिया। फिर धागा पीछे करेंगे, अब ये 2 फंदे हमें सीधे दिख रहे हैं, तो ये 2 फंदे सीधे बुनेंगे। इसी तरह से पूरी सिलाई हम बना लेंगे। ये हमने उल्टी सिलाई बना के कंप्लीट कर लिया। अब सीधी सिलाई, सीधी सिलाई में फिर उसी तरह से बनाएंगे जो फंदे हमें जैसे दिख रहे हैं। अब ये 7 फंदा हमने ये सीधा बनाया है, तो इसको हम पहले 7 फंदे सीधे बुन लेंगे। ये एक फंदा सीधा बुन लिया, ये 2 फंदा, 3, 4, 5, 6 और ये 7। 7 फंदे हमने सीधे बुन लिए। अब ये हमें 2 फंदे उल्टे दिख रहे हैं, धागा आगे करेंगे, ये 2 फंदे हम उल्टे बना लेंगे। फिर धागा पीछे करेंगे, ये 6 फंदे हमें सीधे दिख रहे हैं, तो इसको 6 फंदों को हम सीधा बुन लेंगे।
ये 6 फंदों को हमने सीधा बुन लिया। फिर धागा आगे करेंगे, ये 2 फंदे उल्टे हैं तो इसको 2 फंदों को हम उल्टा बुनेंगे। फिर अब ये 7 फंदों को हम सीधा बुनेंगे। इसी तरह से हम पूरी सिलाई बना लेंगे। ये हमने पूरी सीधी सिलाई बना के कंप्लीट कर लिया। अब उल्टी तरफ से फिर हम उसी तरह से बनाएंगे जो फंदे हमें जैसे दिख रहे हैं। अब ये 7 फंदे हमें उल्टे दिखाई दे रहे हैं तो ये हम 7 फंदे उल्टे बना लेंगे। सात फंदे हमने उल्टे बुन लिए। अब ये 2 फंदे हमें सीधे दिख रहे हैं, धागा पीछे करेंगे और ये 2 फंदे हम सीधे बुन लेंगे। फिर धागा आगे करेंगे, ये 6 फंदे उल्टे हैं तो 6 फंदे हम उल्टे बना लेंगे। फिर धागा पीछे करेंगे, ये 2 फंदों को हम सीधा बुन लेंगे क्योंकि ये सीधे बुने हुए हैं। फिर धागा आगे करेंगे, फिर इसी को हम बार बार रिपीट करेंगे। 7 फंदे उल्टे बनाएंगे, फिर ये 2 फंदे सीधे, फिर ये 6 फंदे उल्टे, फिर ये 2 फंदे सीधे। इसी तरह से पूरी सिलाई बना के कंप्लीट कर लेंगे। अब हमने ये उल्टी सिलाई पूरी बना के कंप्लीट कर लिया। अब सीधी तरफ से ये हमने 6 रोज इसकी बना ली। 6 सिलाइयाँ बनाने के बाद ये बुनाई इस तरह से आ जाती है। ये ट्विस्ट किए हुए फंदे हैं, फिर ये बीच में सीधे सीधे फंदे, फिर ये ट्विस्ट किए हुए फंदे। अब 6 सिलाइयाँ बनाने के बाद सातवीं सिलाई 7th रो में हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। अब देखिए इसको हम कैसे बनाते हैं। अब ये 7 फंदे जो हम सीधा बुन रहे थे, अब ये 7 फंदे हम उल्टे बना लेंगे। ये हमने एक फंदा उल्टा बुना, 2 फंदा, 3, 4, 5, 6 और ये 7। ये हमने 7 फंदा उल्टा बना लिया और ये 2 फंदा हम और उल्टा बुन लेंगे। ये जो बीच में दोनों फंदे उल्टे थे इनको भी हम उल्टा बना लेंगे। ये हमने अब टोटल हमने ये 9 फंदे उल्टे बना लिए। फिर धागा पीछे करेंगे। अब ये जो 6 फंदा हमने ये ट्विस्ट किया था इसको हम फिर इस बार ट्विस्ट करेंगे। अब ये देखिए 6 फंदा हम इसको सलाई से उतार लेंगे। ऐसे हमने सलाई से उतार लिया। पहले ये राइट हैंड की सलाई से ये 3 फंदे ऐसे उठा लेंगे, ऐसे उठा लिया। अब लेफ्ट हैंड की सलाई से ये 3 फंदे उठा लेंगे, ये वाले तीनों फंदे, 1, 2 और ये 3 फंदे ऐसे हमने उठा लेना है और इसको ऐसे ट्विस्ट कर लेंगे। और ट्विस्ट करने के बाद अब हम लेफ्ट हैंड की सिलाई पे इन तीनों फंदों को ऐसे चढ़ा लेंगे। अब ये 6 फंदे ट्विस्ट हो गए, इसको हम सबको सीधा बुन लेंगे। एक फंदा सीधा बुना, ये 2 फंदा, 3 फंदा, 4, 5 और ये 6। ये 6 फंदा हमने ये ट्विस्ट कर लिया। अब ये इस तरह से आ जाएगा। फिर ये 2 फंदा जो उल्टा है इसको धागा आगे करेंगे और ये 2 फंदा हम उल्टा बुन लेंगे। फिर धागा पीछे करेंगे। अब ये 7 फंदे जो हमने सीधे बुने थे इसको फिर हम 7 फंदों को उल्टा बुन लेंगे। ये धागा आगे ही रहने देंगे। ये 2 फंदा हमने उल्टा बुन लिया था और ये 7 फंदे और उल्टा बुनेंगे। ये हमने 7 जो सीधे फंदे थे उसको हमने उल्टा बुन लिया। अब फिर ये जो बीच में 2 फंदा ये उल्टा था इसको भी हम उल्टा बुन लेंगे।
टोटल हमने ये दो फंदा ये उल्टा बुना था, सात फंदे ये उल्टे बुन लिए और दो फंदा ये उल्टा बुन लिया, यानी पूरे 11 फंदे हमने ये उल्टा बुना बीच में। अब फिर धागा पीछे करेंगे। अब ये जो 6 फंदे इस पिछली बार जो हमने ट्विस्ट किया था उसको फिर से हम ट्विस्ट करेंगे। ये 6 फंदे हम ऐसे गिरा लेंगे ऐसे, राइट हैंड की सिलाई से पहले हम 3 फंदे ऐसे उठा लेंगे ऐसे, और अब लेफ्ट हैंड की सिलाई से ये 3 फंदे उठाएंगे और इसको ऐसे ट्विस्ट कर लेंगे। और अब ये राइट हैंड की सिलाई पे ये तीनों फंदे ऐसे चढ़ा लिया, और अब ये पूरे टोटल 6 फंदे हो गए, इनको हम सीधा बुन लेंगे। ये हमने इसको बना लिया। अब इसी तरह से हम पूरी सिलाई बना लेंगे। ये हमने सीधी सिलाई बना के कंप्लीट कर लिया। अब उल्टी तरफ से हम ये 7 फंदे उल्टे बना लेंगे। सात फंदा हमने उल्टा बना लिया, धागा पीछे करेंगे। अब ये 2 फंदे हमें सीधे दिख रहे हैं, दोनों फंदे हम सीधे बना लेंगे। फिर धागा आगे कर लेंगे। ये 6 फंदे जो उल्टे दिख रहे हैं इसको हम 6 फंदा उल्टा बना लेंगे। फिर ये 2 फंदे हमें सीधे दिख रहे हैं, धागा पीछे करेंगे और इन दोनों फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। अब इसी को हम बार बार रिपीट करेंगे। ये जो 7 फंदे हैं इसको हम उल्टा बुनेंगे, फिर ये 2 फंदे सीधे बुनेंगे, फिर ये 6 फंदे उल्टे बुनेंगे। इसी तरह से हम आगे बनाते जाएंगे। ये हमने पूरी उल्टी सिलाई बना लिया। अब सीधी तरफ से फिर हम ये 9 फंदे हम उल्टे बना लेंगे। ये 7 फंदे और ये 2 फंदे, ये 9 फंदे उल्टे बना लेंगे। ये हमने 9 फंदे उल्टे बना लिए, धागा पीछे करेंगे। अब ये 6 फंदा हम सीधा बुन लेंगे। ये बीच में जो ट्विस्ट किया हुआ 6 फंदा है इसको हमने सीधा बुन लिया। फिर धागा आगे करेंगे। फिर अब ये 2 फंदे ये और 7 फंदे ये और 2 फंदे ये पूरे 11 फंदे अब हम उल्टा बुनेंगे। ये 11 फंदे हमने उल्टा बुन लिया। फिर धागा पीछे करेंगे। ये जो 6 फंदा ट्विस्ट किया हुआ है इसको हम सीधा बुनेंगे। अब उसी तरह से हम आगे बुनते चले जाएंगे। ये हमने पूरी सीधी सिलाई बना लिया। अब ये इस तरह से बन के आएगा। अब उल्टी तरफ से हमने ये 7 फंदे उल्टा बना लेना है। सात फंदे हमने उल्टा बना लिया, धागा पीछे करेंगे।
ये दो फंदे सीधे हैं, इसको हम सीधा बुनेंगे। ये धागा आगे करेंगे, ये छह फंदे उल्टे हैं, इसको हम उल्टा बुन लेंगे। अब इसी को हम बार बार रिपीट करेंगे, ये दो फंदे सीधे बुनेंगे, फिर ये सात फंदे उल्टे बनाएंगे, फिर दो फंदे सीधे, इसी तरह से पूरी सिलाई बना लेंगे। अब हमने ये पूरी उल्टी सिलाई बना के कंप्लीट कर लिया। अब सीधी तरफ से ये देखिए हमारी ये एक बुनाई बन के कम्प्लीट हो गई है। जैसे हमने इतना बनाया है, ये पोर्शन जब बन गया तो पूरी हमारी एक बुनाई कम्प्लीट हो गई। अब इसी तरह से फिर हम ये दूसरा ये बनाएंगे, एक बुनाई यहाँ है, अब ये ऊपर इसके हम इसी तरह आगे बनाते हुए रिपीट करते जाएंगे। तो अब ये हमारी बुनाई बन के तैयार हो गई है। देखिए ये बन के कितनी सुंदर आती है, इसे आप किसी भी प्रोजेक्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।